हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कोस्टर बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर है और बनाना बहुत इजी है। आप इसे बड़ी साइज़ में भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ में भी। इसके लिए देखिए मैंने 1, 2, 3, 4, 6 लिया। उसके बाद हम इसे लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। अब हमें 1, 2 एंड 3 चेन लेना है और ये जो लूप्स हैं हमारी 6 चेन का, उनके अंदर हमें 16 डबल क्रोकेट बना लेना है। देखिए इस तरह हम टोटल 16 डबल क्रोकेट बना लेंगे। हमने देखिए 16 डबल क्रोकेट बना लिया। उसके बाद इस वाले में इसके थर्ड चेन में डालकर इसे स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने टोटल ज्वाइंट कर लिया। इसके बाद फिर इसी पर 1, 2, 3 चेन लेंगे और इसमें ही फिर हम दोबारा अपना क्रोकेट डालेंगे और डबल क्रोकेट इस तरह बना लेंगे। मतलब एक जो चेन होगी उसमें दो बार हमें डबल क्रोकेट बनाना है। देखिए एक चेन हमने लिया, इसके ऊपर एक बार डबल क्रोकेट बनाया, फिर दोबारा हमने बना लिया। इस तरह जब हम 16 अपने चेन के ऊपर डबल क्रोकेट बना लेंगे तो ये टोटल 32 हो जाएगी। 32 बनाकर मैं आपको आगे बता रही हूँ बनाना। सेकेंड राउंड देखिए हमने कंप्लीट कर लिया, 32 बना लिया। फिर थर्ड वाले में हम डालकर इसे स्लिप स्टिच के द्वारा लॉक कर देंगे। अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 चेन बनाना और इसके बाद इस वाले साइड वाले में हम एक बार डबल क्रोकेट बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे 1, 2। फिर इसके बगल वाले में हम दूसरी बार बनाएंगे 1। एक भी चेन आपको छोड़ना नहीं। देखिए एक छूट गया, मैं इसमें फिर बना ले रही हूँ 1, 2। मीन्स हर जो डबल क्रोकेट है पूरी 32 उनके अंदर हमें डालना है। ये हो गया। फिर हम 1, 2 चेन लेंगे और फिर ये देखिए ये साइड वाला है, हर एक डबल क्रोकेट में एक एक बार डालते हुए, दो डबल क्रोकेट में डालकर दो चेन बनाते हुए हम पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। इसमें झोल बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि जो दो चेन के द्वारा हर साइड से इसका पैटर्न बढ़ रहा है। सेकंड रो में दो के बजाय हमें 3 करना होगा। पहले मैं कंप्लीट इनको कर लूँ। इस तरह आप चाहें तो जितना भी चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, पर मैं सिर्फ इसमें 6 तक बढ़ाऊंगी और आपको जितना बड़ा ये कोस्टर बनाना है उस साइज से आप इसे बना सकते हैं, या आप इससे जो भी चाहें टेबल क्लॉथ, टोकरी, हैट कुछ भी बना सकते हैं। इसी कोस्टर से मैं आपको हैट भी बनाना बताऊंगी। पहले ये कोस्टर मैं 6 तक कंप्लीट कर लूं। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कोस्टर बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर है और बनाना बहुत इजी है। आप इसे बड़ी साइज़ में भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ में भी। इसके लिए देखिए मैंने 1, 2, 3, 4, 6 लिया। उसके बाद हम इसे लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। अब हमें 1, 2 एंड 3 चेन लेना है और ये जो लूप्स हैं हमारी 6 चेन का, उनके अंदर हमें 16 डबल क्रोकेट बना लेना है। देखिए इस तरह हम
टोटल 16 डबल क्रोकेट बना लेंगे, फिर 6 बना दिया। 6 बनाने के बाद अब हम पैटर्न चेंज करेंगे, पहले 16 फिर 32, एक एक में दो दो, फिर ये वाले पैटर्न। और इसके बाद हम देखिए 3 का एक करते हुए इस थर्ड वाले में डाल लेंगे और स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइंट कर देंगे।